नमस्कार दोस्तों, जब भी आप कुछ ठंडा गर्म ले रहे हो और आपको दांतों में एकदम से तेज झनझनाहट या फिर करंट जैसा लगने का या झटका लगने का एहसास हो तो उससे काफी तकलीफ होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस झनझनाहट के क्या-क्या कारण हो सकते हैं वो बताऊंगा और उनके क्या-क्या उपाय हो सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि आपको सेंसिटिविटी पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किन केसेस में इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले चल के जानते हैं कि झंझनाहट होती क्यों है। देखिए, हर दांत के अंदर अपनी एक नस होती है, और यदि ये नस इरिटेटेड हो या फिर इसको दिक्कत पहुंचे तो हमको झंझनाहट का एहसास दांत में होने लगता है। अब हम चल के जानते हैं कि वो कौन से पांच कारण हैं जिससे ये नस इरिटेट होती है या इस नस पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। झंझनाहट का सबसे पहला कारण होता है दांतों में सड़न होना या दांतों में कीड़ा लगना। दांतों की सड़न जो होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है, और ये बैक्टीरिया जब सड़न में अंदर तक जाने लगते हैं, नस के करीब पहुंच जाते हैं, तो नस को इरिटेट करने लगते हैं, और जैसे जैसे दांत सड़ते जाता है वैसे वैसे दांत की नस जो है वो सतह की तरफ आती जाती है, यानी कि सतह की तरफ खुलती जाती है। और ऐसे में आपको जब भी आप ठंडा गर्म लेंगे तो उसमें करंट जैसा लगने का या झंझनाहट होने का एहसास होने लगता है। कभी कभी ये चीज मीठा खाने से भी हो सकती है। झंझनाहट का दूसरा कारण होता है मसूड़ों में इन्फेक्शन होना। देखिए, जैसे जैसे मसूड़े में इन्फेक्शन होता है वैसे मसूड़ा और हड्डी जो है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है, गलता जाता है, तो जो दांत की जो जड़ है वो एनवायरमेंट में एक्सपोज हो जाती है और वहां पे फिर आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। झंझनाहट का तीसरा कारण होता है दांतों का अत्यधिक घिस जाना। अब दांत जो है वो अत्यधिक या तो सुपारी खाने से घिस सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की आदत होती है कि दांत को आपस में जो है वो इस प्रकार से दिन में या रात में घिसते रहते हैं, उनके मुंह से दांत घिसने की कई बार आवाज भी आती है। जैसे ही आप सुपारी खाना शुरू करते हैं तो सुपारी क्योंकि एक तरह का पत्थर ही है तो ये धीरे धीरे करके दांत को घिसने लगता है। सबसे पहले ऊपरी सतह घिस जाती है जिसके कारण डेंटिन की जो सेकेंड लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है और दांत में ठंडा गर्म वगैरह लगने लगता है। कई बार जो लोग बहुत तेज ब्रश करते हैं, इस प्रकार से खूब रगड़ रगड़ के बहुत हाई स्पीड से और बहुत हाई प्रेशर से ब्रश करते हैं तो उनके दांत भी साइड से कट जाते हैं या घिस जाते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। तो ऐसे में भी उनको ठंडे गर्म का एहसास बहुत ज्यादा होने लगता है। झंझनाहट का चौथा कारण होता है चाप में गड़बड़ी होना। कई बार जिन लोगों की चाप में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी बहुत तेज ठंडे गर्म का एहसास दांतों में होने लगता है। झंझनाहट का पांचवा कारण होता है दांतों में क्रैक आ जाना। अब ये क्रैक जो है या तो सुपारी खाने वालों में आ जाते हैं या फिर आप कुछ बेरीज कुछ खा रहे हो जिसमें बीज होते हैं और वो बीज एकदम से आपके चबाते चबाते दांतों के बीच में आ जाए, तो ऐसे केसेस में भी दांतों में क्रैक्स आ जाते हैं, दांतों में फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी शुरुआती केस में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है दांतों में। अब हम चल के जानते हैं कि सेंसिटिविटी पेस्ट जो है वो असर कैसे करता है। देखिए, सेंसिटिविटी पेस्ट में ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो कि नसों द्वारा प्रोड्यूस किए गए सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो अंदर से नस बता रही है कि कुछ प्रॉब्लम है उसको ये सिग्नल्स आगे बढ़ने नहीं देती, सेंसिटिविटी पेस्ट उसको रोक देती है। तो सेंसिटिविटी पेस्ट का इस्तेमाल करने से हमारे दांतों के सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, जो हमारे दांतों की जो नसें हैं उनके सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि हमको ठंडे गर्म का एहसास नहीं हो पाता। अब हमको समझना ये चाहिए कि कई केसेस में जो हमको ठंडा गर्म लग रहा है वो हमारा शरीर हमको बता रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है और आप उसका कुछ करिए। जैसे कि दांत सड़ रहा है तो वहां पे अगर ठंडा गर्म लग रहा है तो हमारा शरीर हमारे दांत हमको बता रहा है कि आप कुछ करो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ऐसे केसेस में सेंसिटिविटी पेस्ट का इस्तेमाल करोगे तो होगा ये कि आपको ठंडा गर्म लगना तो बंद हो जाएगा परंतु सड़न जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी और पूरे दांत को ले जाएगी, और लास्ट में फिर आपको दांत निकालना भी पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा, और सड़न बढ़ते 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 में दूसरे दांतों पर भी शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि आप सेंसिटिविटी पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो उनमें भी ठंडा गर्म नहीं लगेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप सेंसिटिविटी पेस्ट का इस्तेमाल ऐसे केसेस में ना करें जहां पे आपको डॉक्टर द्वारा नहीं बताया गया हो। तो सेंसिटिविटी पेस्ट का इस्तेमाल अपने आप मत शुरू करें। यदि आपके डॉक्टर ने आपको बोला है किसी कारण से आप सेंसिटिविटी पेस्ट का इस्तेमाल करें तभी आप उसका यूज करना शुरू करिए, अन्यथा वो आपको ज्यादा नुकसान ही देगी।
अब हम चल के जानते हैं कि झंझनाहट के जो कारण रहते हैं उनके हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, दांतों में यदि सड़न है तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और उस सड़न का इलाज कराना चाहिए, या तो फिलिंग होगी या फिर रूट केनाल वगैरह होगा, परंतु उसका इलाज कराना आवश्यक है। दूसरा कारण जो रहता है मसूड़े में इन्फेक्शन होने का, उसमें भी आपको डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग वगैरह करानी चाहिए, स्केलिंग या फिर मसूड़े का कोई दूसरा प्रोसीजर कराना चाहिए जैसे कि आपके डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करे। यदि दांत आपके अत्यधिक घिस गए हैं जैसे कि सुपारी खाने के कारण या किसी हैबिट के कारण, तो ऐसे केसेस में आप सेंसिटिविटी पेस्ट का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले एक बार डेंटिस्ट को अवश्य दिखाएं, अपने आप से तय ना कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दांतों के बीच से कहीं से सड़न होती है और हमको एकदम मुंह में दिखती नहीं है। तो आप डेंटिस्ट के पास अवश्य जाएं, एक बार उनको चेकअप करा लेंगे, भाई ठंडा गर्म लग क्यों रहा है, वही आपका एग्जैक्ट रीजन बता पाएंगे। आप खुद से मत डिसाइड करिए घर पे बैठ के कि अरे हमको ठंडा गर्म लग रहा है यही कारण है। मेरा वीडियो बनाने का मतलब आपको सचेत करना है। यदि बहुत हार्ड ब्रश करने के कारण दांत जो है वो साइड से कट गए हैं और उसके कारण आपको ठंडा गर्म लग रहा है, तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके उनकी प्रॉपर फिलिंग करानी चाहिए, ताकि वो गड्ढे जो बन गए हैं वो और आगे ना बढ़े और उसमें और दिक्कतें ना आए। यदि आपको चाप की प्रॉब्लम के कारण झंझनाहट हो रही है तो भी आपको डेंटिस्ट के पास जाके अपनी चाप को सही करवाना आवश्यक है। साथ ही साथ में टेम्पररी तौर पे आप सेंसिटिविटी पेस्ट का इस्तेमाल भी ऐसे केसेस में कर सकते हैं। यदि दांतों में क्रैक आ जाने के कारण आपको झंझनाहट हो रही है तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके उस क्रैक को दिखाना चाहिए और उसका उचित इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और आप सेंसिटिविटी पेस्ट का इस्तेमाल तुरंत करने लगेंगे तो वो धीरे धीरे करके आपको झंझनाहट तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो क्रैक जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा, और यदि क्रैक बढ़ता गया तो फिर दांत को लास्ट में जाके निकालना ही पड़ता है। तो पहले ही आप जाके उसकी रोकथाम अपने डेंटिस्ट के पास जाके जरूर करवाएं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किन किन केसेस में आपको सेंसिटिविटी पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। वो दो क्या मैंने क्राइटेरिया आपको बताए थे, यदि आपके दांत अत्यधिक घिस गए हैं या तो सुपारी वगैरह खाने के कारण या किसी हैबिट के कारण, और या फिर आपकी चाप में गड़बड़ी है। इसके अलावा जो भी कारण है झंझनाहट के, वो आपको डेंटिस्ट के पास जाके उनका समाधान जरूर कराना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।